नमस्कार। वैक्यूम विपक्ष, जिस पर हम अपने पिछले कई वीडियो में बात कर चुके हैं, यानी एक ऐसी सिचुएशन जिसमें या तो विपक्ष है ही नहीं और अगर है भी तो वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। क्लिक इंडिया के सीईओ ने भारत की राजनीति में विपक्ष के इस हालात को उजागर किया और आज इसी पर हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सबसे खास पार्टी समाजवादी पार्टी के बारे में। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और यहाँ विपक्ष के तौर पर अगर खास और बड़ी पार्टियों की बात करूँ तो यहाँ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल समेत दर्जन भर पार्टियां हैं। पर कहीं ना कहीं विपक्ष का पाला बीजेपी के सामने कमजोर पड़ता नजर आता है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी की राजनीति को गरमाया हुआ है। सवाल ये उठाए जाने लगे हैं कि चुनाव से पहले क्या समाजवादी पार्टी टूट जाएगी। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से निकलकर दलित और पिछड़ा राजनीति में खास जगह बनाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की चर्चा यूपी में एक अलग राजनीतिक दल के गठन को लेकर हो रही है। पिछड़ा दलित पॉलिटिक्स पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अब अपनी पकड़ को बढ़ाया है, उससे बहुजन समाज पार्टी की पकड़ कमजोर हो गई है। इस तरह की सिचुएशन में स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी जगह तलाशने की कोशिश कर सकते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि समाजवादी पार्टी में रहने वाले मौर्य अपनी अलग लाइन लेकर चल रहे थे, लेकिन राज्यसभा चुनाव से एन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी से बगावत का विगुल बजा लिया। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि अगर उन्होंने पार्टी छोड़ी तो कई विधायक उनके साथ जा सकते हैं। इससे मुश्किलें समाजवादी पार्टी के लिए बढ़ जाएंगी। यानी जहां एक तरफ राज्यसभा चुनाव में पार्टी को झटका लग सकता है, तो वहीं अखिलेश यादव, जिस पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स को लोकसभा चुनाव का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर भी आघात हो सकता है। यानी कुल मिलाकर यूपी की राजनीति में यह सप्ताह बड़े ही उलटफेर वाला हो सकता है। आपको बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है कि वो नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो उत्तर प्रदेश की राजनीति का क्या होगा? दरअसल यूपी चुनाव 2022 के पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब भारतीय जनता पार्टी छोड़ी थी, उसके बाद पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की पतझड़ सी लग गई थी। करीब एक दर्जन विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था। ऐसे में अगर उनकी नई पार्टी बनाने की सिचुएशन आती है तो इससे अखिलेश यादव के सामने जो सबसे बड़ी मुश्किल होगी वो विधायकों को जोड़कर रखने की होगी। पल्लवी पटेल की नाराजगी से परेशान पार्टी के सामने मुश्किलें अब लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। हालांकि दूसरी तरफ उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव को मुलायम सिंह यादव वाली दवा देने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल 2003 में मुलायम सिंह यादव ने बसपा को तोड़ दिया था और उसके विधायकों के एक गुट को विधानसभा अध्यक्ष केशरीनाथ त्रिपाठी से मान्यता दिला दी थी। दरअसल 2003 में मायावती सरकार गिरने के बाद 27 अगस्त 2003 को बसपा के 13 विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात कर मुलायम को मुख्यमंत्री बनाने के लिए समर्थन दिया था। विधायकों पर दल बदल कानून और संविधान की 10वीं अनुसूची के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए सदस्यता खारिज करने की मांग की गई थी। पर उस समय बसपा विधायक दल के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने विधानसभा अध्यक्ष केसरीनाथ त्रिपाठी से मुलाकात की, उन्हें याचिका सौंपी थी। विधानसभा अध्यक्ष केसरीनाथ त्रिपाठी ने स्वामी की याचिका पर कोई फैसला नहीं लिया। 13 बागी विधायकों का समर्थन मिलने के बाद मुलायम 210 विधायकों का समर्थन लेकर राजभवन पहुंचे थे। राज्यपाल विष्णुकांत शास्त्री ने उन्हें सरकार बनाने के लिए बुलाया था। 29 अगस्त 2003 को मुलायम मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए थे। बहुमत सिद्ध करने के लिए 2 हफ्ते का भी समय मिला था। मुलायम सरकार बनाने में सफल रहे, जो कि हम सबके सामने था। मामला कोर्ट में भी गया, लेकिन 2007 तक कोर्ट में मामला चलता रहा। स्वामी प्रसाद मौर्य अब अखिलेश को करीब 21 साल पुरानी तरकीब से मात दे सकते। इसी बात के आधार पर स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर यह भी दावा किया जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव से पहले वो नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। बहरहाल राज्यसभा चुनाव की बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य अभी विधान परिषद सदस्य हैं। ऐसे में वो खुद राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं कर पाएंगे, पर वो अपने सहयोगियों से क्रॉस वोटिंग के लिए इन्फ्लुएंस उनको जरूर कर सकते हैं। पल्लवी पटेल पहले ही जया बच्चन और आलोक रंजन को उम्मीदवार बनाए जाने पर नाराजगी जता चुकी है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य 7-8 विधायकों को भी अपने पाले में अगर लाने में कामयाब हो जाते हैं तो सपा को तीसरा कैंडिडेट जीतना मुश्किल हो जाएगा।
राज्यसभा चुनाव की वोटिंग 27 फरवरी को होनी है। इससे पहले प्रदेश में बड़ा राजनीतिक भूचाल आने के जो संकेत मिल रहे हैं वो कारण है स्वामी प्रसाद मौर्य। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी संघमित्रा मौर्य को बदायूं से लड़ाने की तैयारी में। सपा ने पहले ही धर्मेंद्र यादव को वहां से अपना उम्मीदवार बना दिया था। भाजपा सांसद संघमित्रा के सामने पिता के बयानों से बदली स्थिति ने परेशानी खड़ा कर दी। अगर स्वामी भाजपा के 8वें उम्मीदवार संजय सेठ को जिताने में किसी भी तरह की भूमिका निभाते हैं तो संघमित्रा का दावा एक बार फिर भाजपा का टिकट पाने में पुख्ता हो जाएगा। खैर, इस विषय पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।